कितना लेट आया यार, कब से वेट कर रहा हूँ अरे यहाँ पे आपका। घर में निकलने में टाइम लगता है ना। ठीक है, बट स्टिल वेट कर कर थक गया मैं। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने मेरे को यहाँ पे क्यों बुलाया आज? आगे तो हम मतलब कहीं होटल या रेस्टोरेंट पे मिलते हैं ना, जहाँ पे खाना खाना जाए। आज यहाँ पे क्यों, कुछ है तो क्या? यहाँ मिल नहीं सकते क्या हम लोग कभी? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हम मिल नहीं सकते। मैं वैसे पूछ रही हूँ कि आज कुछ मतलब कोई बात करनी थी कुछ ऐसे। नहीं, सोचा यार हम लोग हमेशा उधर मिलते हैं, बातचीत होती है, उससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। नॉट इवन छोटी सी किस भी नहीं होती हम दोनों के बीच, बाहर मिलते हैं। सो सोचा रूम कर लेते हैं। मैंने रूम कर ली, कोई प्रॉब्लम है आपको इससे? मतलब तुम मेरे को यहाँ पे इसलिए लेके आए हो ताकि मतलब केस और वो हो सके। अरे नहीं, मैं तुम्हें यहाँ इसीलिए लाया हूँ ताकि हम साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके, ठीक है? हाँ, क्वालिटी टाइम आई मीन टू से लाइक, ताकि हम दोनों, सिर्फ हम दोनों साथ में रह सके, आजू बाजू वालों की टेंशन ना हो यार, कोई देख ना ले, ये ना हो ले, वो ना हो ले, ठीक है? ठीक है, समझ रहे हो? तो तो आप बताओ। बैठो इधर, खड़ी रहना है क्या? आ जाओ। हाँ तो अपना तो पता, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, हाँ बताएं। बहुत कितना बताना, ज्यादा कितना क्या कर रहे हो तुम? नेक पे किस कर रहा हूँ? कोई प्रॉब्लम है? तुम्हारे पीछे बैठा हूँ ना, आप बोलो ना, हाँ तो आपको पसंद नहीं है? नहीं, मुझे अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। एक तो आप तुम इतनी प्यारी सी ड्रेस बात पहन के आए करने हो, वाले थे ना, बात करो तो बात ही तो कर क्या। रहा हूँ फिर। इतनी प्यारी ड्रेस जो पहन के आए हो आप, मतलब आपकी ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है। ओके, मुझे लगा ऐसा बोल रहे हो कि पसंद नहीं आई। अरे यार इतनी प्यारी बोला मैंने, पसंद की नहीं आएगी? देखो कितनी अच्छी लग रही है आप पे। हाँ थैंक यू। अच्छा, ये जो बांध के रखा पीछे, इसके इसको खींचने से क्या होगा? मतलब मतलब ड्रेस खींचने खुल से वुल तो क्या नहीं होगा? जाएगी ना, तो ऑब्वियसली उसी की वजह से तो अटैच है। तो इसको पीछे से चैन क्यों लगी है फिर उसके ऊपर? फिर ये अजीब ड्रेसे होती है लड़कियों की, मैं तो ये सोच रहा था। चलो अरे ये जो लगी हुई है ये चेन इसलिए शो के ताकि वो बंद लिए, रहे, ठीक है। ये बस और रिबन, ये बस शो जो के लिए। हाँ रिबन इसलिए सो दैट फिटिंग अच्छी है बॉडी के हिसाब से। हाँ अच्छा कई बार होता है ना, कोई मोटा होता है कोई पतला होता है तो उसको फिटिंग नहीं अच्छी आती, झल्ला सा हाँ, लगता है, तो इसलिए बांध के इसीलिए। रखा होता है। हाँ तो खोल दूँ फिर? तो तो पागल हो गया। तुम्हारी ऑलरेडी फिटिंग बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छा आया ये, और हाँ ढीला ढीला ही तो तो बांध के रखा है, इसमें क्या फिटिंग है? हाँ, वरना वो यहाँ पे स्ट्रेच पड़ता है ना, फिर वो टूट जाती है रिबन। अच्छा, कहाँ पे स्ट्रेच पड़ता है? यहाँ कितने क्यूट हो, हाय इसमें क्या गिफ्ट आई लव यू। था? आई लव यू टू। आप बता रहे थे ना कि आपको क्या लगता है मैं कितना प्यार करता हूँ आपसे, हाँ तो वही बता रही थी ना कि बहुत बताओ ज्यादा बताओ, प्यार करते हो। तो आगे तो बताओ कि क्यों लगता है ऐसा। हाथ मुझे दे दो, आप नहीं है ठाकुर, वो मजाक कर रहा हूँ। चलो बस हाथ के साथ खेलूंगा, इसलिए ओके? क्योंकि तुम मेरी केयर करते हो और मुझे स्पेशल फील करवाते हो हमेशा, इसलिए लगता है। अरे और तुम क्या कर रहे हो? पीछे से हक करके किस कर रहा हूँ, और कुछ नहीं, ये तो कर सकता हूँ ना, गाल पे ही कर रहा हूँ। तुम्हें हर चीज से तुम प्रॉब्लम है मेरे, इवन तुम्हें मेरे टच से प्रॉब्लम है। अरे टच में प्रॉब्लम नहीं है, तुम अचानक से आके शुरू हो जाते हो। अच्छा तो सरप्राइजिंग यू ना बेबी, आई लव यू। बोलो, बोलते रहो ना, बाकी मेरे पे छोड़ दो, ठीक तो बता तो दिया, और क्या बताऊं?
अटक गए थे बीच में, मैंने सुना ही नहीं कुछ, मेरा ध्यान आपको किस करने में था। हाँ तो मैंने ये बोला ना कि तुम मेरी केयर करते हो, मुझे स्पेशल फील करवाते हो और मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, इसीलिए लगता है करते हो। और कुछ नहीं, तुम बताओ तुम कितना करते हो। फिर जितना मैं किस कर रहा हूँ ना उससे ज्यादा तुम्हारी नेक कितनी सॉफ्ट है, निशान गिरा सकता हूँ अपना, नहीं निशान पे भी डाग है ना, और तुम पे कोई नहीं है तो इसलिए एक तो मेरे नाम का बनता है। नहीं स्माइल क्यों कर रहे हो फिर? स्माइल नहीं कर रही, नहीं अच्छा तो एक हल्का सा, मुझे घर पे भी जाना है, सबको डाउट हो जाएगा। अच्छा तो यहाँ पे शोल्डर के पास नहीं प्लीज, नहीं डमी पे, वहां पे तो किसी को नहीं दिखेगा, पागल हो गया, हो गया कैसी बात कर रहा, प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या है? आ जाओ इधर, आ जाओ। अच्छा एक काम करते हैं, हाथ पकड़ो, क्या हाथ दो अपना, हाँ यहाँ पर रखो एक हाथ शोल्डर पे, इधर की साइड मूव करो ना ऐसा, हाँ हाथ रखो शोल्डर पे, एक हाथ दो, धीरे धीरे मेरे साथ, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे लेटो इधर लेटो, हाँ बोलो। देखो आ जाओ आप, तो देखो किस करने में प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे क्लोज आ रहा हो तो। इसमें प्रॉब्लम नहीं है क्या? हाँ तो हक तो तुम नॉर्मली भी करते हो ना, तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगी। अभी तुम्हें बेड पे लिटा दिया, उसमें प्रॉब्लम नहीं है? ये तो फर्स्ट टाइम ही हो रहा है शायद। तुम शर्मा रहे हो? ओए किस बात की शर्म है जाने मन, इधर देखो मेरी आंखों में, आई लव यू, नहीं किस मिल सकती है लिप्स पे या नहीं? नहीं मिल सकती, क्यों नहीं मिल सकते लिप्स पे किस? हो गया तुम अचानक से ये इतने चीप क्यों हो रहे हो। अरे प्यार करता हूँ तुमसे, हो जाता है कभी कभी, अजीब है अजीब क्या लग रहा है आपको क्या? ये, यही मतलब अचानक से ऐसे मेरे क्लोज आ रहे हो, कभी किस कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। तो थोड़ा और क्लोज आ जाओ ना, मैं आपको लिप्स पर किस करना सिखाता हूँ, ठीक है? नहीं कोई जरूरत नहीं है, आपको मेरे में कोई प्रॉब्लम लग रही है क्या? फिर नहीं ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? रोज तो अच्छे से बात करते हो, इवन चैट पे भी मुझे कहते हो, मन तो करता है कभी तुम्हारे लिप्स खा लो जब तुम सामने हो, और अभी सामने हो अरे तो कुछ नहीं कर रहे हो। वो तो एक मजाक होता है ना, तुम्हें बताया तो है मैंने कि शादी से पहले मैं ये सब नहीं करूंगी। शादी से पहले ये सब नहीं करोगे? थोड़ी नहीं ना मैं कुछ गलत करने वाला हूँ तुम्हारे साथ, और अगर हो भी जाता है तो प्रॉब्लम क्या है, शादी तो करूंगा ना। हाँ तो अब मतलब मैं घर वालों को धोखा नहीं दे सकती ना अपने। इसमें धोखा क्या है, शादी मैं करूंगा तो? हाँ तो शादी भले ही करोगे तुम, बट वो बात नहीं रहेगा ना, मुझे ऐसा फील होगा कि जैसे मैंने उनको धोखा दिया है, वो इतना कैसे? भरोसा करते हैं मुझ पे। अच्छा तो अभी तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में हो तो तुमने धोखा नहीं दिया? तो मैंने कुछ गलत नहीं किया ना अभी तक। तो ये तुम्हारे लिए गलत है अगर हम दोनों कुछ करते हैं तो? हाँ सीरियसली? तो गलत ही तो है ना। अच्छा तो मुझे नहीं लगता, और मेरे ख्याल से ना
इतना लोड नहीं लेते आजकल तो, सब करते हैं, नॉर्मल है ये सब, है ना। हाँ तो लोगों के लिए नॉर्मल होता होगा, मेरे को नहीं पसंद ना। हम लोगों के बीच भी, हम दोनों के बीच भी कुछ हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मत लो, यहाँ पे सब सेफ है, ठीक है, डरो मत। गहरी सांस लो, सांस लो। और मैं थोड़ी ना एकदम आगे जाने को कह रहा हूँ, जस्ट एक किस की बात कर रहा हूँ मैं, समझ रहा हूँ मेरी बात को, ओके ओके। पक्का सिर्फ कृष्णा तो और अगर उसके आगे चले गए तो मैं जा रही हूँ यहाँ किस से। करते करते आपका हाथ कंट्रोल में नहीं आ रहा, और कि गलत चला गया तो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा चला गया तो, मूड बन गया तो, तो रहने दो ठीक है, मैं जा रही हूँ। मैं बस आपको पॉसिबिलिटी गिना रहा हूँ ना, जरूरी थोड़ी होगा। तो मैं जाती हूँ ठीक है, मुझे घर पे जाना। अरे ट्रस्ट में मेरी जान, कुछ नहीं होगा। इससे पहले आपने मेरे को एक भी बार किस नहीं किया, पहली बार तो है नहीं अच्छे से, है ना। बस डिफरेंस यह है कि तब कैफे होता था या कुछ होता था, जब जहाँ पे कोई पब्लिक ना हो जाता, तब एक आधी बार दूर से ये थोड़ा बहुत टच वाला हो जाता था। बस अभी प्रॉब्लम क्या है इसमें, कोई प्रॉब्लम है? मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? अरे देखो, अब मैंने आपके टमी पे ऐसा हाथ रखा है, कोई कोई कुछ कर रहा हूँ मैं, हाथ रख के कुछ कर रहा हूँ, कुछ कर मुझे रहा हूँ क्या? अनकंफर्टेबल लग रहा है। ट्रस्ट मी, आपको भरोसा नहीं है मुझ पे? तो ऐसी बात नहीं है, कैसा है? मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, समझो ना। अरे भरोसा नहीं है मुझ पे बिल्कुल भी? मैं बोल रही हूँ ना, भरोसे जैसी कोई बात नहीं है ऐसी। अरे बस भरोसा रखकर हो जाने दो। क्या मतलब? बस भरोसा रखो, जो होते हैं होने दो। देखो मुझे घर जाना है प्लीज। शांत, शांत, आई लव यू, क्लोज आई लव यू टू। आओ और थोड़ा आंखें बंद करो। प्रॉमिस, मेरा हाथ यहीं पे रहेगा, ओके? आंखें बंद, देखो कुछ लगा? कुछ लगा क्या? कुछ नहीं होता, ठीक है, ट्रस्ट मी। चलो आ जाओ, क्लोज, फिर से आंखें बंद। अब एक लंबी वाली किस चाहिए मुझे, ठीक है, ठीक है।